मेन्यू इन वर्ड प्रेस हाउ टू मेक मेन्यू इन वर्ड प्रेस हाउ टू क्रिएट सब मेन्यू इन वर्ड प्रेस हाउ टू क्रिएट मेन्यू फॉर कैटेगरी इन वर्ड प्रेस ब्लॉग हाउ टू क्रिएट डायनामिक मेन्यू इन प्रेस तो भाई साहब ये जो वीडियो है ना ये एंड टू एंड तुम लोगों को सिखाने जा रही है कि कितने सारे वेरिएंट्स होते हैं मेन्यूज़ के जिसमें हम लोग मेन्यू को बनाना सीख रहे हैं उसके बाद हम लोग सब मेन्यू बनाना सीख रहे हैं उसके बाद कैटेगरी मेन्यू बनाना सीख रहे हैं उसके बाद डायनामिक मेन्यू में बनाना सीख रहे हैं इफ़ आर थीम सपोर्ट्स ठीक है तो चलते हैं मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और इस वर्ल्ड मेन्यू वीडियो कोर्स को पूरा एंड टू एंड देखते हैं अच्छा ये मैं आ चुका हूँ अपनी डैशबोर्ड के ऊपर वर्ड डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे अब आप लोगों को मैंने जो है कैटेगरीज ऐड करना सिखाया था अगर नहीं तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि पहले आपने कैटेगरीज ऐड करनी है उससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेन्यू कैसे बनाते हैं उसको हम जरा देख लेते हैं यहाँ से आप राइट क्लिक जाओ अपेरेंस में जाओ अपेरेंस में मेन्यूज में जाओ अच्छा अब आप लोग मेन्यू में आ चुके हो अब आप लोगों को देखना है कि आपकी थीम क्या क्या सपोर्ट करती है आपकी थीम एक प्राइमरी मेन्यू सपोर्ट करती है सिर्फ ठीक है तो प्राइमरी मेन्यू बनाने के लिए आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू करोगे ठीक है और यहाँ से आप मेन्यू का सबसे पहले नाम दोगे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं हेडर नैव मेन्यू ठीक है पर्सपेक्टिव से ये चीज़ अच्छी रहती है तो आप लोग कोशिश करेंगे ये नाम दें ऑटो एड पेजेस और फिर डिस्प्ले लोकेशन डिस्प्ले लोकेशन को हम प्राइमरी मेन्यू कर देते हैं और करंटली सेट टू प्राइमरी हेडर ए नाइव ठीक है अच्छा अब ये सेट हो चुका है अब हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें ऐड करनी होंगी ठीक है चीजें कौन कौन सी ऐड करनी है पहले हम अपनी वेबसाइट देख लेंगे हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज मैंने आपको डिजाइन करना सिखाया था लेक्चर नंबर फिफ्टीन या फोर्टीन में तो सिक्सटीन में हमने इसको कंप्लीट किया था तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस तरीके से बनता है ठीक है अब आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कुछ एक तीन मेन्यूज़ बने हुए हैं यहाँ पे <coughs> सॉरी एक मेन्यू है और तीन कैटेगरीज़ यहाँ पे दी हुई है। हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले अब मैं जाऊँगा अपने मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया ठीक है मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है और मैं जाता हूँ कस्टमाइज़ के ऊपर ताकि आप लोगों को ये भी बता दूँ कि प्राइमरी मेन्यू जो हमने क्रिएट किया है वो शो होगा कि नहीं होगा अच्छा अब हम जाते हैं यहाँ से लेआउट यहाँ पे गए प्राइमरी नेविगेशन इधर नहीं है हमारे पास शायद हेडर ये भी हमारे पास नहीं है प्राइमरी नेविगेशन पे होगा न, एक मिनट लेट्स चेक दिस ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा हमें ये ये रहा मेन्यूज मेन्यूज में जाने के बाद यहाँ से प्राइमरी हेडर मेन्यू, हम देखते हैं यहाँ पे अब ये देखो ये पुराना हमारा बना हुआ है हम इस वक्त इसको नहीं छेड़ेंगे हम देखेंगे ये रहा हमारा हैडर नायब मेन्यू ठीक है अब वो कह रहा है कि हेडर नायब मेन्यू हमने लिया हुआ है प्राइमरी में हमारे पास ये कैटेगरीज आई हुई हैं अब हम क्या करेंगे हम लोगों को यहाँ से कुछ कैटेगरीज बना के डालनी पड़ेंगी हम जाएंगे यहाँ से पोस्ट पोस्ट पे पो जाएंगे कैटेगरीज के ऊपर पोस्ट पोस्ट से जाऊंगा मैं कैटेगरीज के ऊपर अच्छा अब आप लोगों को कैटेगरी बनाना सिखाइए उसकी एस भी सिखाइए ठीक है तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो मैं अभी कैटेगरी ए बना रहा हूँ कैटेगरी ए का स्लग डाला है मैंने और डिस्क्रिप्शन भी ए डाल दिया है उसके बाद कैटेगरी बी बना रहा हूँ स्लग उसका बी बनाया है और डिस्क्रिप्शन भी बी डाल दिया है और उसके बाद कैटेगरी सी बना रहा हूँ स्लग सी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन भी मैं सी डालूंगा एड न्यू कैटेगरी कर दिया ठीक है तो ऑल वी हैव इज वन टू व्री तीन कैटेगरीज आ चुकी हैं हमारे पास फाइनली और आप लोगों को ये बात पता होगी कि हम लोगों ने अब जो है अब तक जो कवर किया है वो है वर्ड में मेन्यू को किस तरीके से जो कस्टम मेन्यू होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को अभी सिखा दिया ठीक है उसके बाद अब जो हम एक्चुअली देख रहे हैं वो है हाउ टू क्रिएट अ मेन्यू इन वर्ड ठीक है तो उसके लिए फिर आप लोगों ने ये सारी तीन कैटेगरी कर दी है कैटेगरी करने के बाद यहाँ से कस्टमाइजेशन से चूज कर लो ठीक है यहाँ पे चले जाओ ऐड न्यू पेज की जगह कैटेगरीज पे जाओ आपको पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि कैटेगरीज अभी ऐड किए हैं तो यहाँ पे शो नहीं करते ठीक है अच्छा यहाँ से हम जाते हैं मेन्यू मेन्यू से जाते हैं कैटेगरीज पे जाते हैं हम देखो ये आ गई हमारे पास ऑल वी हैव टू डू इज सेलेक्ट ए सेलेक्ट बी एंड वी हैव टू सेलेक्ट सी ठीक है ए बी सी कैटेगरी आ गई है हमारे पास लेट्स पब्लिश पब्लिश हो चुका है अब हम देखते हैं कि क्या ये जो कैटेगरीज हैं वो चेंज होती हैं या नहीं ठीक है अब ये कैटेगरीज चेंज नहीं हुई हैं क्यों नहीं चेंज हुई क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो फ्रंट पेज है हमने बनाया था एलिमेंट से तो अब आप लोगों को मैंने ये सिखा दिया हाउ टू मेक अ वर्ड प्रेस मेन्यू इन वर्ड प्रेस वेबसाइट हो या फिर ब्लॉग ठीक है अब आप लोगों को मैंने जो सिखाना है वो है हाउ टू क्रिएट अ मेन्यू इन एलिमेंटर अब एलिमेंटर के ऊपर जाओ एलिमेंटर पे जाओ बल्कि यहाँ से अगर आपके पास ये कस्टमाइजेशन से बाहर आ जाओ ठीक है एडिट विथ एलिमेंटर पे जाओ एलिमेंटर हेडर को सेलेक्ट कर लो अच्छा अब देखो ये मेन्यू आ गया अब एलिमेंटर में यहाँ पे अब आप देखोगे मेन्यू नेम प्राइमरी मेन्यू ठीक है तो अब अब यहाँ से अगर मैं हेड एन मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ तो वो ए बी सी कैटेगरी हमें शो कर रहा है ठीक है तो अब हम लोगों ने एलिमेंटर के ऊपर कैसे मेन्यू बनाना है वो भी सीख लिया हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ वर्ड प्रेस मेन्यू उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि कैटेगरी मेन्यू किस तरीके से बनाया जाता है अब मुझे जहां तक याद है लिस्ट में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज हाउ टू क्रिएट अ सब मेन्यून वर्ड प्रेस सब मेन्यू इन वर्ड प्रेस कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को पहले बताता चलू देखो पोस्ट में जाओ कैटेगरीज में जाओ ठीक है यहां पे हम एक काम करते हैं एक्स कैटेगरी एक मैं और लिखता हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्योंकि आप लोगों को मैं कैटेगरीज ऐड करना सिखा दी है एस भी सिखा दी है तो डू चेक आउट माई मैं वीडियोज़ मैंने पूरा कोर्स आप लोगों के लिए अपडेट किया है और बड़ी मेहनत लगी यार इसको बनाने में तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट फुल नॉलेज फुल टेक्निकल बातें और बहुत सी गप्पे छप्पे हमने लगाई हैं उसमें तो वो सब काम किया अच्छा हमने यहाँ पे तीन और कैटेगरीज बना ली हैं दैट इज़ एक्स वाई एंड जी इसके बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ से

रेक्टेंगल अंदर की तरफ से बन रहा है तो जब मैं इस रेक्टेंगल जो अंदर की तरफ से बन रहा है उस पर ड्रॉप करूंगा उठा के इसको तो ये सब मेन्यू बन जाएगा ठीक है ऐसे ही इसको मैंने उठाया अब देखो मैं इसको कहीं भी घुमा सकता हूँ ठीक है अब एक बार वाला रेक्टेंगल एक अंदर वाला जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो उसका सब आइटम है देखो लिखता भी आ लिखा भी जा रहा है ऊपर उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इस पर आपने क्लिक कर दिया खत्म सब मेन्यू आपका रेडी तो आप लोगों ने आज ये भी सीख लिया कि सब मेन्यूज कैसे बनाते हैं ठीक है लेट्स रिफ्रेश अब हमारे पास जो चीज रह गई है दैट इज डायनेमिक मेन्यू डायनेमिक मेन्यू के लिए आपने यहां से ऑप्शंस में जाके स्क्रीन ऑप्शन में जाके सीएसएस क्लासेस को एक्टिव कर देना है ठीक है अब यहाँ पे आपको मेन्यू के साथ साथ एक सी एस एस क्लास का ऑप्शनल बॉक्स भी नजर आ रहा है यहाँ पे अगर आप कोई भी क्लासेस डालोगे तो ये आपका जो भी मेन्यू होगा या सब मेन्यू होगा या मेन एलिमेंट होगा सब एलिमेंट होगा इसमें जो है कोई भी आप जब क्लास इंक्लूड करोगे तो यह आपका मेन्यू जो है वो डायनेमिक मेन्यू हो जाएगा ठीक है डायनेमिक मेन्यू दैट इज कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक है अब ये इस वक्त जो है स्टैटिक मेन्यू है मतलब ये चेंज नहीं हो रहा लेकिन अगर आप कोई सी एस एस क्लास असाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका डायनेमिक मेन्यू ठीक है अब इसके ऊपर जो एक ट्यूटोरियल है वो मैं खास बना दूंगा वंस वी फिनिश दिस क्लास आज के लिए यहीं तक था आज मैंने सिर्फ आपको ये बतानी थी चंद एक बातें जिसमें से हम लोगों ने आज जो कवर किया है वो है वर्ड प्रेस मेन्यू क्रिएटिंग अ कस्टम मेन्यू इन वर्ड प्रेस वी हैव ऑल्सो कवर्ड हाउ टू क्रिएट अ अन वर्ड प्रेस वी हैव कवर्ड हाउ टू मेक मेन्यू इन थ्रू विद एलिमेंटर हाउ टू क्रिएट सब मेन्यू इन वर्ड प्रेस

वर्ड प्रेस कैरियर का आगाज़ हो चुका है फाइबर के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं लोग इसी तरीके से अपनी सर्विसेज पिच कर रहे होते हैं और अगर आप इधर से कुछ सीख के फाइबर से विद इन या फिर मोर देन वन हंड्रेड डॉलर बना लेते हैं दिस मीन्स कि आपने इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझा है मिलता आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लॉग में